ओटवाला में बाण माता मंदिर नवकुंड यज्ञशाला प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ आगाज। साइला के निकटवर्ती ओटवाला में बाण माता मंदिर नवकुंड यज्ञशाला की प्रतिष्ठा को लेकर शनिवार को गोलमैन तासा भारती जी महाराज, प्रेमनाथ जी महाराज, लाल भारती जी महाराज, भूपा भारती जी महाराज, राज भारती जी महाराज व पारस भारती महाराज सहित साधु संतों के सानिध्य में भव्य जल यात्रा निकाली गई। जल यात्रा को लेकर शनिवार को ग्रामीण सुबह पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर मंदिर परिसर में पहुंचे। शोभा यात्रा का शुभारंभ बाण माता मंदिर प्रांगण से रवाना होकर गांव के विभिन्न मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में गांव की बालिकाएं पारंपरिक राजस्थानी वस्त्र पहनकर सिर पर कलश धारण कर चल रही थी। शोभा यात्रा में सबसे आगे धर्म ध्वजा लहरा रही थी। शोभा यात्रा में सुसज्जित रथ, घोड़े, हाथी चल रहे थे। वहीं महिलाएं मंगल गीत गा रही थी व पुरुष धर्म ध्वजा लहराते हुए बाण माता के जयकारे लगा रहे थे। युवा बैंड एवं डीजे की धुन पर थिरक रहे थे। वहीं इस दौरान पूरा ओटवाला नगरी धर्ममय होता नजर आ रहा था। इसके साथ ही मनोज रिया एंड पार्टी दिल्ली द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के श्वांग रचकर झांकियां भी सजाई गई। वहीं शड़ावे के लाभार्थियों ने बाण माता की तस्वीर, ध्वजा दंड, यज्ञशाला, शिखर कलश को लेकर नगर भ्रमण किया। ऐतिहासिक शोभा यात्रा में सुसज्जित हाथी, घोड़े, बैंड, बाजे व मनमोहक झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा का जगह जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया एवं जलपान की व्यवस्था की गई। वहीं शोभा यात्रा गांव स्थित जलकुंभ पर पहुंचने पर जलदेव पूजन के लाभार्थी द्वारा जलदेव का पूजन किया गया। वहां से बालिकाओं के सिर पर धारण किए गए कलशों में जल भरा गया। शोभा यात्रा पुनः मंदिर परिसर में पहुंचकर विसर्जित हुई। प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। ओटवाला स्थित बाण माता मंदिर नवकुंड यज्ञशाला प्रतिष्ठा महोत्सव के प्रथम दिन प्रतिष्ठा के आचार्य के नेतृत्व में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। वहीं रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें श्याम पालीवाल एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक माताजी के भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिसमें देर रात तक श्रोता झूमते नजर आए।